लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझको न जानने वाले बुद्धिहीन इंसान समझते हैं कि मैंने ये रूप और व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वो मेरे परम उत्तम अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। मुझे हर जन्म में मां की जरूरत पड़ती है और तुम उसी मां से मेरे जाति के सूत्र जोड़ने लगते हो, विवादों में पढ़कर परिभाषाएं रचने लगते हो कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी हूं। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मानव हूं। मानवता मेरा धर्म है, तुम्हारा कल्याण मेरा कर्म है। मैं गीता का ज्ञान हूं, कुरान की तालीम, बाइबल की शिक्षा, गुरु ग्रंथ साहब का आदर्श हूं। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही प्राप्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं संपूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं इस संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं, और तुम्हारे लिए मैं एक फकीर साईं बाबा हूं। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। एक बार जो भी जबान से मुझे नाम लेकर पुकारता है, मैं माया मोह, पाप दोष, कष्ट, लोभ, अहंकार से उसकी रक्षा करने के लिए सक्रिय हो जाता हूं, क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा, अल्लाह मालिक।
हेलो अर्जुन स्पीकिंग. अर्जुन मैं मलिक बोल रहा हूँ. हे मलिक हाउ यू मैन. ठीक हूँ. सुना है तुम इंडिया जा रहे हो. हाँ इंडिया जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए. आप चलना चाहते हो. चलो आपको इंडिया घुमा लाए. अरे नहीं थैंक यू वेरी मच. मैं तो नहीं जा पाऊंगा लेकिन तुम मेरा एक काम कर सकते हो क्या. हाँ बोलिए. कुछ सामान इंडिया भिजवाना था. तुम घर आ जाओ तो समझा दूं. ठीक है आता हूँ. सी यू बाय बाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. नॉट अगेन. ओम नमः शिवाय. क्या बेवकूफी रीना. तुमसे कितनी बार बोला है मुझे पूजा पाठ भगवान में बिल्कुल फेथ नहीं है. लेकिन लेकिन मुझे तो विश्वास है ना. देखो रीना भगवान नामक चीज इंसान की कोई मदद नहीं करता है. मदद करता है तो उसका काम उसका कर्म. वर्क इज वर्शिप. डू यू अंडरस्टैंड. वर्क इज वर्शिप. और आज के बाद अगर तुमने इस घर में पूजा या पाठ किया तो मैं तुम्हें तुम्हें डबोस दे दूंगा. और सुनो मैं जो कहता हूं तुम वही करो. बिकॉज तुम जानती हो मैं जो बोलता हूं वो करता हूं. कहां जा रहे हैं आप. मलिक क्या आप चलोगी. वहां तो साईं उत्सव चल रहा है. मैं भी चलूं. क्यों आपके यहाँ पर पूजा पाठ से मन नहीं भरा क्या. क्या वहां भी चलना चाहती देवी जी. Bye.
साई रे साई नाथ रे सभी तुम्हार खेला तुम्हें पिता तुम्हें माता तुम्हें बंधु भ्राता सभी तुम्हार खेला अर्जुन आओ वेलकम वेलकम बाबा से आशीर्वाद लो इस पागलपन के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मलिक पागलपन हाँ पागलपन यही तो जिंदगी का सच है दोस्त तुम्हारे लिए होगा मलिक नहीं हम सबके लिए तुम प्रूफ कर सकते हो क्यों नहीं ये बताओ तुमने कभी भगवान को देखा है अर्जुन ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने भगवान को कब नहीं देखा कहाँ नहीं देखा मैं तो इस समय भी तुम्हारे भीतर अपने साई बाबा को ही देख रहा हूं आज से पहले तो तुम फिलोसफर नहीं थे मलिक ये फिलोसफी नहीं हकीकत है मेरे दोस्त अगर ये हकीकत है तो मुझे एक आदमी बताओ जिसने भगवान को देखा तुम एक की बात कर रहे हो मैं तुम्हें अनेक बता दूं तुमने हिंदुस्तान के मुंबई शहर का नाम तो सुना होगा क्यों किसने नहीं सुना उसी मुंबई शहर के गोपीनाथ सुरवेकर कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपीनाथ सुरवेकर की सच्ची घटना सुन जिन्हें भगवान का साक्षात हुआ उनकी करोड़ों की जायदाद मान मर्यादा इज्जत सब कुछ वक्त के एक झटके के साथ तबाह हो गया और जो लोग उनके दरवाजे पर खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात समझते थे वही लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे गोपीनाथ सुरवेकर तू बर्बाद हो गया तेरा घर फैक्ट्री सब निराश हो गई केतकी केतकी वो रामू हमारा नौकर
जो 10 साल हमारे साथ था वो भी चोरी करके भाग गया। उसे बहुत जरूरत होगी, ले जाने दो उसे। लेकिन केतकी, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूं। मैंने कितनी बार कहा आपसे, इस शेर के धंधे का कोई भरोसा नहीं, पर आप माने तब ना। आपने बिजनेस पार्टनर्स पर दोस्त समझकर भरोसा किया, उन्होंने आपसे गलत पेपर साइन करवा के आपके अच्छेपन का फायदा उठाया। इतकी तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर वक्त पे तुम्हारी बात मान ली होती तो शायद ये नौबत आज ना आती। ये सब क्या हो गया है? वहां सरकारी नीलामी हो रही है, एक दिन में हम राजा से भिखारी हो गए, दर दर के भिखारी हो गए। आज अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। साईं पर विश्वास रखिए। केतकी, कैसे विश्वास करूं मैं साईं पर, कैसे भरोसा करूं? इस हालात में जिंदगी काटना कितना मुश्किल। मैं हार गया हूं, मैं जिंदगी की बाजी हार गया हूं मैं। जिंदगी कोई रेस का घोड़ा नहीं है जिसे हारा या जीता जाए। इससे भी बुरे हालात में हजारों लाखों लोग सुख चैन की जिंदगी जीते हैं। लेकिन केतकी, मैं अपनी इज्जत की नीलामी इस हद तक नहीं देख सकता हूँ, नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसे क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं रहा हूँ केतकी। नहीं, आपको जीना होगा, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। आप हार सकते हैं, टूट सकते हैं, पर साई पर मेरा विश्वास नहीं टूट सकता, मेरी श्रद्धा नहीं उठ सकती। केतकी, अपने हाथों से लगाए हुए बगीचे को इस हद तक उजड़ते हुए कोई देख सकता है, बर्दाश्त कर सकता है? ये सब क्या हो गया है? सब बर्बादी बर्बादी है। अरे मुझे मौत क्यों नहीं आती है? आप मौत चाहते हैं ना? गुमनामी की जिंदगी मौत के बराबर है। क्या मतलब? हम बाकी की जिंदगी बाबा के चरणों में गुजारेंगे, जो मिलेगा वो खाएंगे। वहां आपको कोई नहीं जानता कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपीनाथ सुर्वेकर हैं। शिरडी, शायद बाबा की यही इच्छा हो। यही बैठ जाते हैं। इतके मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम शिरडी पहुंच पाएंगे, मैं बहुत थका हूँ। अगर मन में विश्वास हो तो ये जगह भी शिरडी बन जाएगी। हम यहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। गोपीनाथ, उठो उठो गोपीनाथ। बाबा, मैं आपके पास आना चाहता था। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। मेरे पास आना जरूरी नहीं है,
सच्चे मन से मेरा स्मरण करना ही बहुत है। सच्चे मन से पुकारोगे तो दुनिया का जर्रा जर्रा शिरडी बन जाएगा। पर बाबा, एक दिन में सब कुछ बदल गया। बाबा, मेरा जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। तुम्हारा? तुम यहाँ क्या लेकर आए? खाली हाथ? और खाली हाथ लेकर ही जाना है? तुम ये क्यों नहीं मान लेते कि यहां तुम्हें जो कुछ मिला था वो यहीं का था? पर बाबा, एक दिन में सब बदल गया, सब पराया हो गया। मैं तो पराया नहीं हुआ गोपी। जैसे ही तुमने पुकारा मैं भागा चला आया। सच में मन लगाओ, सच तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाबा, कैसे सच में मन लगाओ? सब मेरे दुश्मन हो गए हैं। दुश्मन कहीं बाहर नहीं है गोपी, तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानो, पहचानोगे तो उसे जीत भी लोगे। मेरे भीतर वो कौन है? तुम्हारा लोभ, मोह, अहंकार, ये तेरा मेरा ये सब तुम्हारे दुश्मन है। बाबा, मैं क्या करूं? सच में मन लगाओ, सच्चिदानंद भला करेगा। बाबा, सब करो साईं बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। किटकी, किटकी, किटकी उठो, जागो। हमें शिरडी जाना है। हमें जाना है शिरडी, चलो। बाबा फिर सपने में आए थे, हमें शिरडी जाना है, चलो। भाई साहब जी, जरा सुनिए जी। ये रास्ता शिरडी जाता है ना? जी हाँ। कितनी दूर होगी शिरडी यहाँ से? बस लगता है करीबन 70-75 किलोमीटर दूर होगी। मैं बहुत दूर से आया हूँ, सोचा बाबा के दरबार में माथा टेकाऊं। अच्छा, आप लोग शायद शिरडी जा रहे हैं ना? जी हाँ, जाना तो चाहते हैं। देखते हैं, अगर बाबा की इच्छा हो तो पहुंचाएंगे। क्यों नहीं, अगर आपको एतराज ना हो तो आइए ना मेरे साथ, बातें करते जाएंगे, रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आइए ना, आइए। जो भक्त आया हर दर्द मिटाया मेरी नजर ने, समाधि पे शीश झुकाया जिसने, साईं ने उसकी बिगड़ी बनाई। नश्वर शरीर को मैंने ही छोड़ा, फिर भी मैं दौड़ा भक्तों के खातिर। समाधि से मेरी मन्नत जो मांगी सफल करेंगी श्रद्धा सबूरी। मैं हूँ अमर सत्य तू मान ले, विश्वास कर ले मेरे वचन पर। मेरे चरण पे शरण जो आया उसी ने पाया मेरा सहारा। पूजा जो करते जिस भावना से, आएंगे वैसे फल जिंदगी में।
मेरे भरोसे रख जिंदगानी, साई की बानी जाए न खाली। मन की मुरादें कर लो पूरी, रहना अधूरी मेरी कृपा से। तन मन से जो जो बन गया मेरा, मैं रखवारा उस भक्तन का। साईं कहे वो ही है धन्य धन्य, हुआ जो अनन्य मेरे चरण पे। ओ ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बैंक ने आपकी सारी लायबिलिटीज ले ली। आप सच कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब आपका एक भी चेक बाउंस नहीं होगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा मैं रखूं। ओके, सी यू। केतकी, क्या हुआ? यहाँ आते ही बाबा ने अपना चमत्कार दिखा है। बाबा की कृपा से हमारी नीलामी रोक दी गई है। बैंक ने हमारे सॉल्वेंसी की गारंटी ले ली है। इसके बाद हमारा एक भी चेक कभी बाउंस नहीं होगा। उस रतन को भी बता दीजिए जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। केतकी, कहाँ गए? उनको हमें जहां पहुंचाना था उन्होंने पहुंचा दिया। अब वो हमें नहीं मिलेंगे। और तुम जैसे लोगों ने ही भगवान का भूत इंसान के सर पे चढ़ा दिया है। गिव मी अ ब्रेक मलिक, गिव मी अ ब्रेक। तुम जैसे नास्तिक के साथ बात करना भी गलत है, लेकिन तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। कोलकाता शहर के काली घाट पर रहने वाले एक फेमस लिटरेचरिस्ट भास्कर चटर्जी की घटना सुनो। भास्कर चटर्जी तुम्हारी तरह नास्तिक थे। उन दिनों दैनिक वर्धमान के वो चीफ असिस्टेंट एडिटर थे। ये अखबार है, अखबार। यहाँ रोज की खबरें छपती हैं। महोदय, ये भी तो खबर है। शिरडी के साईं बाबा ने कितना बड़ा चमत्कार कर दिखाया है। एक मृत व्यक्ति को वापस जिंदा कर दिया उन्होंने, देखिए। आमी मिथ्या खबर उछावो ना। रोज की खबरों का मतलब समझते हैं आप? मतलब बलात्कार, सामूहिक नरसंहार, हत्या, रिश्वतखोरी, सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक समाचार, खेल या फिल्मी चटपटी खबरें, इनसे चलता है अखबार। ये अपने चमत्कारों से आप समाज को क्या बताना चाहते हैं? हाँ, अपना सब काम छोड़ दो और साईं बाबा का नाम जपो, बाबा ने यह पार करा देंगे। क्या ये सब चमत्कार? क्यों अपनी जिंदगी और दुनिया को भड़का रहे हैं आप लोग? देखिए महोदय, क्रोधित मत होइए, क्रोध से स्वास्थ्य खराब होता है। आप एक बार इसे देख तो लीजिए। ये सब बकवास देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, जाइए आप लोग। साईं बाबा, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ठीक है महोदय, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है, लेकिन एक निवेदन है, अगर कभी किसी मुसीबत में पड़ जाएं आप तो साईनाथ को जरूर याद कीजिएगा, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। ओके ओके, मैं बाबा को याद करूंगा, अपना सब काम छोड़कर याद करूंगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। कहां कहां से लोग? सलाम साहब। नमस्कार महोदय। कैसन हो साधु महाराज? सब खुशल मंगल? सब साईनाथ की कृपा है, साईनाथ आपका भी भला करेंगे। अच्छा, आज्ञा दीजिए। तुहार अखबार का ये आदमी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
कौन सा आदमी मंत्री जी? अरे वही वो बस्करवा, बस्करवा चटर्जी। बस्करवा चटर्जी? अरे कहाँ गलत छापे हमरे बारे में? दिखाओ दिखाओ, ये देखो, सारी दुनिया भर का पाप हमरे सर पर थोप रहा है। क्या हम पढ़कर सुनाऊं तुमको? नहीं मंत्री जी, आप तकलीफ मत उठाइए, मैंने सब देख लिया है। अरे भास्कर! देखिए महाशय, आप उल्टा सीधा मनगढ़ंत खबरें छापकर मेरा अखबार मत बंद करवाइए। ये अखबार अखबार कोई उपन्यास नहीं है कि आप उसमें कुछ भी लिख डाले। मैं आपके चक्कर में आके अपना अखबार बंद नहीं कराना चाहता। इतनी परेशानी में घिरा है बासु, और मैं भी एक बोझ बनकर यहाँ आ गई हूँ। माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। अच्छा वक्त गया ना, तो बुरा वक्त भी जाएगा ना। तू बड़ा हिम्मत वाला है रे। अवंगलोड सांदे मुर्ते आने के देर के दर से संदे उरी लांगे करी कपड़ मटा। अल्लो नल इरन नलो। ऐसा वाट। करी करी माँ। सुनिए जी, सुनिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? पता नहीं माँ को क्या हो रहा है। माँ को? क्या हुआ? पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। चल चल। माँ, क्या हुआ? ए माँ, माँ, सुन सुन माँ, माँ क्या हुआ? माँ, 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 माँ क्या? माँ क्या हुआ माँ? माँ, 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 माँ माँ के शौनिपात हो गए छे बासु, इसको जमीन पर लेटा दो। जमीन पे नहीं लेटाऊंगा मेरी माँ को, मेरी माँ नहीं मर सकती, नहीं मर सकती मेरी माँ। माँ माँ को काली माँ ने बुला लिया बासु, अब क्रियाक्रम तो सुबह ही होगा ना। सुनिए जी, माँ का क्रियाकर्म करना है। घर में रुपए कितने हैं? फूटी कौड़ी भी नहीं है, मालूम नहीं भगवान, भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्यों? माँ का क्रियाकर्म करना है। इतना बड़ा साहित्यकार भास्कर चटर्जी क्या अपने माँ के कफन के लिए भीख मांगेगा? साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, ठीक है महोदय, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन एक निवेदन है आपसे, अगर किसी तकलीफ में पड़ जाएं आप तो साईनाथ को जरूर याद कीजिएगा, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मैंने तुम्हारा ही भगवान के नाम पर हर सत्ता का अपमान किया है, इसलिए तुमको हाथ जोड़ता हूं और अपने स्वाभिमान की भीख मांगता हूं। मुझे तुम पर जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दे बाबा। सम्मान से मैं अपनी मां के अंतिम क्रियाकर्म की व्यवस्था कर लूं। भासु, भासु, तुम्हें कोथाय अच्छो बाबा? भासु, भासु, हाँ? क्या हुआ? ए भासु,
ये सब लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? माँ ओ कैसे मिलने के लिए आए हैं? हाँ माँ, आपसे मिलने के लिए ही आए हैं। अच्छा नमस्कार। क्या हुआ? क्या है? मनी ऑर्डर है साहब। मनी ऑर्डर? हाँ। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से? यहाँ दस्तखत कर दीजिए। ये रहे आपके 7,500 रुपए। रखो, नहीं साहब। अरे बख्शीश है। आप रख लीजिए, मैं इसका क्या करूंगा। नमस्कार। माँ, मनी ऑर्डर आया है 7,500 का। इतना रुपया कहाँ से मनी ऑर्डर आया? लखनऊ से। 3 साल से पैसे मांग रहा था, नहीं दे रहा था, आज आपने आप। रसगुल्ला मंगवाओ, बहुत दिनों से खाने को जी कर रहा है। माँ तुम्हें सामोसा संदेशा भी अच्छा लगता है ना, लेकर आता हूँ, अच्छी सी चाय बनाओ, मैं अभी आता हूँ। ठाकुर, हमारे छेले के बहुत तरक्की दो। सुनिए, माँ बुला रही हैं। अब क्या हुआ? जल्दी उठिए ना। क्या हुआ? माँ, माँ। अच्छा हुआ बेटा, तू आ गए। जल्दी से चटाई बिछा दो और मुझे जमीन पर लेटा दो। माँ अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो। माँ बहस मत कर, घबराहट हो रही है मुझे, क्या जल्दी से। मुझे जाने दे बेटा, मुझे जाने दे। अरे कुछ करो ना, देखो देखो माँ को क्या हो रहा है। ममता, माँ अब नहीं है, सिर्फ शरीर है। मैं ही भूल गया था, मैंने बाबा से जो वक्त मांगा था वो अब खत्म हो गया है। वक्त मांगा था? ये सब छोड़ो, माँ का अंतिम क्रियाकर्म करके हम शिरडी जाएंगे। तुम तो अमेरिका में रहते हो मलिक, इस साइंस और टेक्नोलॉजी की एज में तुम कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो। हंसी आती है मुझको तुम पे। और हो सकता है भास्कर की माँ की डेथ 24 घंटे बाद होनी हो, इसमें तुम्हें भगवान का नजर आ गए। कमान मलिक, मुझे तो तुम में भी भगवान नजर आ रहे हैं। मलिक मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है, तुमको जो भजवाना मुझे दे दो। अल रिचते, क्या तुम ये बातें स्पिरिचुअलिज्म, साईं बाबा, आई मीन आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स, यू नो, जस्ट गिव इट मी। सॉरी अर्जुन, अब मुझे कोई सामान नहीं भेजना। मतलब? मतलब ये कि तुम मेरा सामान ले जाने के काबिल ही नहीं हो। Come on, मलिक, don't take it to heart, मलिक। मैं अपने शिरडी के साईं बाबा के लिए कुछ सामान भेजना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हारे हाथ से एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सॉरी फ्रेंड, तुम्हारा याना यूजलेस हुआ, तुम जा सकते हो। अच्छा हुआ तुमने अपने आप ही सॉरी बोल दिया। जीते जीत मैं किसी भगवान के द्वार पे कदम भी नहीं रखूंगा। कदम रखा नहीं, रखवाया जाता है। एक बात का ध्यान रखना अर्जुन, साईं बाबा जिसे बुलाना चाहते हैं ना, वो जाता नहीं, पहुंच जाता है। योविश। Your attention please, Air India's flight AI-221 from New York has just landed. Thank you.
कृपया ध्यान दें, एयर इंडिया का विमान AI-221 न्यूयॉर्क से आ पहुंचा है। धन्यवाद। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे। पूना चलोगे? आ सब चलेंगे। कितना टाइम लगेगा? भगवान मालिक है साहब, रोड साफ हुआ तो 4 घंटा, ट्रैफिक जाम हुआ तो 8-10 घंटा पक्का ही समझो। क्या कंट्री है यार, 4 घंटे का 8 घंटे लगेगा। नो वैल्यू ऑफ टाइम। साहब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा साहब, एक मिनट है साहब, एक मिनट बस। ये हमारी परंपरा है, ये हम करते हैं। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, रक्षा करना मेरे साईं बाबा। क्या हो रहा है? पूजा हो रही साहब। पूजा? What madness? Madness नहीं है साहब, इन्हीं के दम से हम सबकी गाड़ी चलती है साहब। Oh come on, don't teach me all this. Let's go. अरे साहब शांति रखिए, चले हम। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे। साईं रक्षा करना। मर गया। क्या हो गया भाई? नहीं भैया, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमारे यहाँ हालत बहुत खराब हो रही है। नहीं नहीं, क्या हुआ क्या हुआ? नहीं साहब, आपका कोई दोष नहीं है, हालत मेरी खराब है। क्या हुआ? कुछ नहीं, अंदर की बात है, अंदर का मामला बहुत खराब है मेरा। Oh, damn it! अरे इस समय मेरा भाई मेरे को मिल जाए। ए सुनिए, हे ए मां की सुनिए को भाई, ए सुनिए जल्दी आ, सेट को पुणे लेके जा। हे हे, वी कैन गो टू पुणे। नल में पानी आता क्या? ये खाली कर रहे। सलामुअलैकुम मामू, जरा ध्यान रखना, छोटे का इसको जोर से आ लिए, पानी भी नहीं है नल में। क्या खाला? बहुत हसरी ली थी तू। हाँ क्या रे तेरा टेंशन, चले गोबर संभाल। कपड़े बदलने गए थे क्या? अरे यार इंसान की नीयत बदल जाती है, तकदीरें बदल जाती। कपड़े की क्या कर रहा है तू, कोट पहनना। ये तुम्हारी भाषा को क्या हो गया? ए चुप कर, एक मिनट अपने को पूजा पाठ करने दे। क्या अपना इच्छे भाईजान? साई भोला भंडारी, साई भोला भंडारी, साई भोला, साई भोला, साई भोला भंडारी। You also? Of course, me, myself. What me, me? पूजा करने के अलावा तुम्हें कुछ और भी आता है क्या? अरे पूजा की वजह से तो हम लोग सब टिके ले भाई। वही तो तुम्हारा भाई बोल रहा था। अरे अपन एक बाप की औलाद है यार, अपना भाई क्या बोलता है? अक्का हिंदुस्तान, अक्का वर्ल्ड बोलता है, पूजा इज एवरीथिंग। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, आई विल टेक यू विद द परमिशन ऑफ ऑलमाइटी। गाड़ी गाड़ी ऑलमाइटी, ऑलमाइटी, लेट्स गो। दिमाग की नस फाड़ना, मेरी गाड़ी चली देख। तेरी काकड़ आरती चली गई, मगर तेरे को दोपहर की आरती मिली। व्हाट काकड़? आज करो पूरा पूरा। लगता है कहानी में कोई ट्विस्ट है मेरे भाई। हम दोनों भाई लोग की जैसे ड्राइवर की आपस में बदली हो गई ना, तेरी मंजिल भी बदली हो गई भाईजान। देख तू बहुत नसीब वाला है, तू जा, तेरे को दोपहर की आरती मिल जाएगी, तू जाना यार। कदम रखा नहीं, रखवाया जाता है। एक बात का ध्यान रखना अर्जुन, साईं बाबा जिसे बुलाते हैं वो जाता नहीं, पहुंच जाता है।
बहुत सही सोच रहा है मेरे भाई। चले जा अभी भी बाबा के आस्थाने पे माथा टेक, बहुत लोगों को मिला है, तेरे को भी मिलेगा। ए भाई तुम इधर ठहरो, मैं मिल के आता हूँ उसको। जरूर उसको। भाई अगर उम्र भर तेरा इंतजार नहीं किया तो नाम बदली कर देना, नसीब वाला यार। नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, बंदा तुम्हारा, मैं ना जानू अल्लाह इलाहे, अल्लाह इलाहे, रहम नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई। अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, अपने मस्जिद का झाड़ू गनू है, मालिक हमारे तुम बाबा साई, तुम बाबा साई, तुम बाबा साई, रहम नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई, रहम नजर करो अब मोरे साई, रहम नजर करो अब मोरे साई। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? क्या नाम है आपका? Your voice has a lot of feelings. सेठ हुकूमत राय, करोड़ों का मालिक, लेकिन मन की शांति एक पैसे की नहीं। सब त्याग दिया, given it all up. बीवी भगवान को प्यारी हो गई, उसे मैं बहुत प्यार करता था। I really loved her. बच्चे सब सेटल्ड हैं, अपनी अपनी जिंदगी सुख चैन से जी रहे हैं। मेरी बाकी की जिंदगी साईं बाबा के नाम, शिरडी का चप्पा चप्पा साईं बाबा का आशीर्वाद है। तुम किस्मत वाले हो जो शिरडी आए। You mean you gave it all up for साईं बाबा? बाबा के दर्शन किए? जाओ बाबा के दर्शन कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। Bye.
इतने आश्चर्य से क्या देख रहे हो अर्जुन? अर्जुन, कैसा रहा तुम्हारा सफर? मलिक ने मुझे कहा था, जिसको तुम बुलाना चाहते हो उसे बुला लेते हो। जीवन के सच से कब तक भागते रहोगे? मैं जीवन के सच से नहीं भागता। क्या नहीं है मेरे पास? धन, दौलत, दुनिया का सब ऐशो आराम है मेरे पास। जीवन का सुख, चैन, शांति कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तुम एक सच्चे इंसान हो अर्जुन। अगर तुम्हारे कर्ममय सुंदर जीवन पर श्रद्धा का लेप चढ़ा दिया जाए तो तुम भी गौरी शंकर की तरह सुंदर हो जाओगे। तो मुझ जैसे इंसान पर कृपा क्यों बाबा? जैसे भक्त हमेशा भगवान को खोजता रहता है, वैसे ही भगवान सच्चे इंसान को ढूंढता है। अनेकों रूप हैं मेरे पास, देखोगे? Jesus Christ! I can't believe it. अर्जुन, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो धन दौलत, मोटर गाड़ी, बैंक बैलेंस, चार्टर प्लेन कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उस समय तो बस मन की श्रद्धा और जीवन का सब्र ही तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह मालिक। साईनाथाय नमः। ओम साईनाथ, साईनाथ। अरे साहब, आप साईं बाबा से मिलना चाहते हो? कहाँ मिलेंगे वो? अरे मेरी माँ के आश्रम में। मेरी माँ के पास रोज आते हैं, उनके हाथों का बना हुआ खाना खाते हैं। अगर मेरी माँ की बनाई हुई भिंडी की सब्जी ना मिले तो खाना छोड़ देते हैं। बहुत बड़े दयालु हैं साईं बाबा, लोगों को रंग से राजा बना दिया है। आप कहां से आए? बहुत दूर से आया हूं भैया। अरे साहब, विदेश से आया हूं मैं। विदेश से आए हो? साहब, आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी अगर आप साईं बाबा से मिलोगे तो। कहां मिलेंगे मेरे साईं बाबा? अरे मेरे घर में, मैं अभी आपको ले चलता हूं। आप चलोगे मेरे साथ? हाँ, चलो। चलिए, आइए, आइए। चलो चलो, आइए। बस थोड़ी दूर है साहब। कहाँ? वहाँ है तुम्हारा काम? वो रहा हमारा गांव। वहाँ? हाँ। अच्छा। उस बैलगाड़ी का पीछा करो। ये तो गांव खेड़े का रास्ता है साहब। चलो जल्दी करो। लगता है कोई बड़ा मुर्गा फंसा है। लगता तो। लो साहब, आ गई हमारी मंजिल। लो साहब, आखिर तुम्हारी मंजिल आएगी। नमस्कार। नमस्कार। सामान संभालो। आइए आइए, संभाल के उतरिए। आइए आइए। शिट, खेड़े गांव साहब। शिट, ओ हो, संभाल के आइए। काले जा रहे हो यार तुम हमको। आइए अंदर आइए। आइए। ओम साईं नमः। ओम अभी आएंगी माँ, अभी आएंगे बाबा। साई नमः। माँ आओ। माँ साई नमः। क्या चाहिए बच्चा? क्या चाहिए बच्चा? क्या चाहिए बच्चा? नमः। मुझे साई बाबा से मिलना है माँ। अभी मिलेंगे बच्चा, अभी आएंगे बाबा, तेरे मन की मुराद पूरी होगी। अभी मिलेंगे बच्चा, अभी आएंगे बाबा, अभी आएंगे साईं बाबा। आओ ले जाओ इसे, उतार लो इसकी घड़ी वगैरह, अंगूठी भी उतार लो। अब इसका क्या काम रहा?
साईं बाबा को मिलाने के चक्कर में कितने लोगों को मैंने फंसाया और आज ये विदेशी बाबू भी फंस गया। जय साईनाथ। लोगों को साई दर्शन कराता है ना चीटर, हैं? चल अब तेरे दर्शन में लोगों को कराता हूँ। चल गांव वालों, इस दुनिया में ना तो भगवान को बेचने वालों की कमी है, ना ही तो भगवान के नाम पर अपने कारोबार की दुकान चलाने वालों की। सच्चाई तो यह है कि इन जैसे ठग लुटेरे भगवान के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए साइंस की नई नई इजाद, इंसानी ताकत और अपने गंदे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इनके झांसे में सिर्फ गांव के भोले वाले लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे शहर के शिक्षित लोग भी अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। भगवान बाहर कहीं नहीं है, वो तो आपके भीतर मौजूद है। इन जैसे धोखेबाजों के साथ भटकने के बजाय आप अपने भीतर भगवान को ढूंढिए। साईं बाबा तो जीवन की शक्ति और तालीम की मिसाल थे, उनकी पूजा करना है तो उनके आदर्शों के साथ करिए। ऐसे चमत्कारों में अगर आप भी साईं बाबा को ढूंढते रहोगे तो साईं भक्त होने का आपका दर्जा भी आप खो देते हैं। साईं बाबा, ये कैसी कहावत है? या मौला, मुझे इस बर्बादी से बचा। हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। ये तूफान नहीं, मौत का तांडव है, हम सबको बिगड़ जाएगा। भागो! नहीं भाग, भागा नहीं जाता, इस तूफान में कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं, सब मारे जाएंगे। ए लड़के, पागल हो गए जो तूफान में यहाँ बैठा है? चलो चलो हमारे साथ। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये तूफान नहीं, ये कहर है, कहर। यहाँ मत बैठो, तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं होगा माई, ये मेरा गुरु स्थान है। बच्चों की तरह जिद मत कर। अरे जब मौत आती है तो गुरु गुरु कोई नहीं बचाता। चल चल हमारे साथ। असलम भाई, देखा, ये तो कमाल हो गया। ये तो कुदरत का कमाल है, तूफान भी थम गया। ये कैसा चमत्कार है। तुम्हारा कल्याण हो। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार हो गया। चिड़ी बना, सुनो, चमत्कार हो गया। क्या हुआ ना? क्या हुआ? एक छोटे से बालक का चमत्कार। हाँ, वो नीम के पेड़ के पास। चलो 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 चलो
जल्दी आओ। आवाज हो दिखाता हूँ। यही तो थे वो। हाँ, वो बालक यही तो था, इसी पेड़ के नीचे। हम सच कहते हैं, वो साक्षात भगवान थे। उन्होंने उन्होंने हाथ इस तरह ऊपर किए और सारा तूफान थम गया। हाँ, हाँ, अब्दुल भाई, हम सच कहते हैं वो यही थे। पर कहाँ गए वो? कहाँ गए? फरिश्ता है, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये सूरज की किरणें, ये मिट्टी, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। असंभव, असंभव। इस तूफान को रोकना किसी बच्चे का चमत्कार नहीं है, ये तो भगवान का चमत्कार है, भगवान का। कुलकर्णी, कुलकर्णी, मैं देख सकता हूँ, अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा, मैं देख सकता हूँ, क्या बोलो, सुनो, मैं देख सकता हूँ, देख सकता हूँ, ना ना, मैं देख सकता हूँ, अरे कुलकर्णी, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, यार, जय, 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 अरे मूर्खो, अकल नहीं है, अकल नहीं है, तुम लोग कुछ भी कहते रहते हो, तुम लोग किसी को भी भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हो। नहीं कुलकर्णी, ऐसा मत बोलो, अरे वो बच्चा नहीं, अरे वो स्वयं भगवान है, अल्लाह है, खुदा की देन है, चमत्कार है। अरे उसने तूफान ही नहीं रोका, बल्कि मुझ जैसे जन्मजात अंधे की आंखों में रोशनी भर दी है, मैं देख सकता हूँ। उन्होंने स्वयं कहा था, स्वयं कहा था कि ये मेरा गुरुस्थान है। सुनो सुनो सुनो, इसकी बात सुनो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या? तो उसका कुछ ना कुछ। तुम लोग अकल नहीं है, जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ, चलो जाओ। देखो चार दिए, परवरदिगार, अरे तेरा करम है, यहाँ खुदा, अरे देवा, अरे सैफू, ये तो करिश्मा हो गया रे, करिश्मा हो गया। या अल्लाह, ये सारा करिश्मा इस बच्चे का है। या अल्लाह, वाकई तो कुदरत वाला है, तेरा कोई सानी नहीं है। वो जरूर कोई भयानक तांत्रिक होगा। चलो अच्छा हुआ अपने आप ही चला गया, नहीं तो अपना धंधा पूरा चौपट हो जाता। बहुत हो गया, बहुत हो गया, चला। काय है, काय क्यों गई थी वहां पे? ढो का पिल्ला काय? वो बालक कोई भगवान भगवान नहीं है। इस गांव में सिर्फ वेदराज कुलकर्णी का राज चलेगा। आज के बाद उस बालक का नाम इस घर में कभी मत लेना, समझी? नहीं समझते, समझ रहे? चल घर जा, चल चल घर जा, समझती नहीं। गुरुदेव, प्रणाम। गुरुदेव, ब्रह्मचारी, तुम्हें 12 वर्ष के देशाटन पर ले जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, आओ मेरे साथ। जो आ गया गुरुदेव। भारत की चप्पे चप्पे भूमि पर स्थित
जनमानस के आस्था केंद्रों पर अपने गुरु बैंकुशा के साथ जाकर बालक साई बाबा ने जात पात धर्म मजहब ऊंच नीच से भी अधिक स्थान मानव सेवा को दिया। 12 वर्षों के निरंतर देशाटन के पश्चात सन 1880 में अपने गुरु बैंकुशा के साथ युवा साई बाबा परभणी मराठवाड़ा पहुंचे। ब्रह्मचारी, तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है। ये पटका, सटका, ये ईंट तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार जुड़ी है जैसे इंसान के जीवन में आत्मा जुड़ी होती है। अब तुम एक फकीर का जीवन जीकर मानव मात्र की सेवा करो, समाज कल्याण और धर्म की संस्थापना करो। मेरे पांव छूकर मुझे पापी मत बनाओ। ये मेरा सौभाग्य था जो 12 वर्ष तक मैं आपके साथ रहा। शायद मेरे ही पुण्य कम थे जो अब आपसे बिछुड़ना पड़ रहा है। गुरुदेव, आप मुझे मेरे अधिकारों से ना रोके। अधिकार? हाँ गुरुदेव, अधिकार। लोक कल्याण और जनहित के लिए मुझे बार बार अनेक रूपों में जन्म लेना पड़ेगा और हर बार युग युगीन हालात को समझने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरुदेव, आप मेरे लिए सदा आदरणीय रहेंगे। हे समस्त संसार के मालिक, हे जगत पिता, मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं? मैं तो स्वयं आपके आशीर्वाद से फलीभूत हूं। अल्लाह मालिक है। साईं बाबा की भक्ति में दीवाने हो चुके चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की बारात के साथ सन 1881 के आसपास युवा साईं बाबा शिरडी पहुंचे। ये बाबा कहते हैं कि शिरडी इनका गुरु स्थान है। आइए, चलो भाई, चलो चलो। सैफू, तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक है? अरे बाबा, अरे भूचंदे को आंखों की रोशनी देने वाले हमें यतीम करके कहां चले गए थे? बाबा, बाबा। उठो सैफू, उठो। अरे वो बाबा आ गए, अरे वो बाबा आ गए। शांति। बाबा, बाबा, अरे बाबा, आ गए। बाबा, जिन्होंने शिरडी का तूफान रोका था, चौकदार उठो। बाबा, तो बाबा आ गए। मैं धन्य हो गया बाबा। बाबा, 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 बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे भाई सामा, वो आ गया, भाई सामा, वो आ गया। मेरी आंखों में रोशनी देने वाला, शिरडी का तूफान रोकने वाला वो आ गया। हमें मूर्ख बनाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हैं ना सैफू? अरे नहीं भाई सामा, मैं क्या झूठ बोलूंगा। मेरी आंखों में तो उसी बाबा की कृपा का सच है ना भाई जम्मा। वो आ गया, वो आ गया। सच? कहाँ है वो? अरे वो गांव में। मैं उसे पकड़ के रखूंगी, जाने नहीं दूंगी। रुक जाओ भाई जम्मा, पूजा छोड़ के जाना अपशगुन होता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। जिस देव को प्रसन्न करने के लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ वो तो खुद ब खुद आ गए हैं। अब तो बस शगुन ही शगुन होगा। चलो चलो। ए, तू कहाँ जा रही है? पागल हो गई हो?
फिर उस जादूगर के पीछे भाग रही है तुम? जाने भी दीजिए मुझे, वो साक्षात भगवान है। याद रखो तुम वैद्यराज कुलकर्णी की पत्नी हो, अगर यहाँ से उठ के गई तो टांगे तोड़ दूंगा। मैं जाना है, मैं जाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। नहीं जाएगी। भाई जमा ये रहे बाबा। बाबा भाई जमा साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। साई बाबा की जय। बायजामा, महारसा, अब्दुल, सैफू, ये जगह खुली खुली है, तुम लोग मेरे रहने का यही बंदोबस्त करो। नहीं नहीं, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे साईं, तुम चलकर मेरे घर पर रहो ना। हाँ साईं, भाईजामा ठीक कह रही है। भाईजामा ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा है। आप यहाँ की हालत तो देखिए साईं बाबा, आप यहाँ पर कैसे रहेंगे? तात्या, मनुष्य पहले चार पैरों से चलने वाला बंदर था, ये दो हाथ खाली करके उसने सभ्यता की ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की है, तो क्या हम सबके हाथ मिलकर इस स्थान को मेरे रहने लायक नहीं बना सकते? हाँ अरे साईं, अरे साईं बाबा, साईं बाबा ये काम आपका नहीं है बाबा, हम लोग है ना। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? जिप्री। नहीं नहीं, मुझे छूना मत। क्यों? मैं छू दू। आओ, आओ, चलो आओ बेटा आओ। सर्वनाश, महासर्वनाश। जी 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 जी, राम 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 राम। नहीं 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 नहीं, महासर्वनाश किसका सर्वनाश? वैद्यराज शिरडी का। शिरडी का? ये क्या कह रहे हैं आप वैद्यराज? मूर्ख, तुम देख नहीं रहे हो ये ढोंगी बाबा किस तरह इस अछूत कन्या को गले लगा रहा है? हमारा धर्म इसकी मान्यता नहीं देता। मैं नहीं जानता धर्म की इस परिभाषा को किस अधर्मी ने रचा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह अछूत क्यों है? क्या इसकी रगों में लाल की जगह नीला खून बहता है? कोई भी इंसान जन्म से नहीं कर्म से अछूत होता है। चलो। प्यास लगी है, पानी पियोगी? लो पियो। लाओ मुझे पानी पिलाओ। नहीं नहीं साईं, तुम मेरे हाथ का पानी मत पीना। क्यों? मैं तुम्हारे हाथ का पानी क्यों नहीं पीऊं? क्योंकि मैं अछूत हूं। न जाने हम इंसानों ने पृथ्वी से, जल से, हवा से, पेड़ों से जीवन की शिक्षा क्यों नहीं ली? पानी प्यास बुझाते वक्त हमसे हमारी जात नहीं पूछता, ये पृथ्वी अपने ऊपर बसे लोगों से उनकी जात नहीं पूछती। क्या हवा हमसे हमारी जात पूछती है? क्या पेड़ हमसे हमारी जात पूछते हैं? ये सब तो इंसान की बनाई हुई परिभाषाएं हैं। लाओ तुम मुझे पानी पिलाओ, पिलाओ।
देखो जिपरी, इन सब के दो दो हाथों ने मेरी मस्जिद को मेरी द्वारका मैया बना दिया। बाबा 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 बाबा, मैं तुम्हारे लिए चारपाई लाया हूं बाबा, तुम्हें इस पे सोना होगा बाबा। मैं तुम्हारे प्रेम को समझता हूं सुतार, तुम खुद चारपाई पर नहीं सोते और मुझे चारपाई देने आ गए। बाबा मैं तो जमीन पर सोने का आदी हूं बाबा। तुम्हारी आदतें मुझमें भी आ गई हैं, फकीर हूं ना, मुझे तुम्हारी चारपाई नहीं चाहिए। हाँ हो सके तो मुझे ये फली दे देना। लो बाबा 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 बाबा। उठो सुतार, उठ जाओ। चुप क्यों रहे हो? आओ डरो मत, भीतर आओ आओ। क्या करो साई? सोने के लिए झूला बना रहा हूँ। झूला? इससे बनेगा झूला? क्यों नहीं बन सकता? माँ कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरे मामा हो? तुम कुलकर्णी के बेटे हो ना? हाँ बाबा। आप झूले पे हमें भी झुलाओगे? हाँ जरूर झुलाएंगे, खूब सैर कराएंगे। चांद तारों तक जाएगा हमारा झूला। चांद तारों तक? हाँ तुम अपने हाथों से चांद तारों को छूना, खूब मजा आएगा, खूब मजा। अच्छा बच्चों शाम हो गई है, अपने अपने घर जाओ। मुन्ना रुक रुक, क्या कर रहा था इस पाखंडी बाबा के पास तू? आपका नायकी की नहीं तुझे? चल घर चल, चल। क्यों गया था वहाँ? अब जाएगा उधर, चल चल उधर। ये क्या कर रहे हैं आप? मार डालेंगे क्या इसे? अरे इसे जान से मार डालूंगा मैं, जान से। तुमने ढील दिया इसे, तुमने। आप मुझे दोष ना दे। मैं तुझे दोष ना दूं? मैं तुझे दोष ना दूं? ये उस पाखंडी फकीर ढोंगी के पास क्यों गया था पूछो? बेटे बेटे तुम बाबा के पास गए थे? हाँ माँ, बाबा ने मुझे फिर बुलाया है झूला झुलाने के। झूला झुलाने के लिए? वो पाखंडी फकीर चोर इसे उठा के ले जाएगा, समझे? अगली बार तू उधर गया ना रे, तेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। हाँ समझे? तू भी सोच ले, सुन ले, समझ ले चित्रा। अगली बार तुम दोनों ने ऐसी वैसी हरकत की, तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। काय समझ रही है? काय दिमाग खराब कर दिया। चुप हो जा बेटे, चुप हो जा। सपना
मेरे राजा किराया है चंदा बैठे हो। इस पत्थर से मेरा जन्म जन्म का साथ है भाईजामा। इस पत्थर से? हाँ भाईजामा, ये तुम्हारे साईं का सिंहासन है। इसी पर बैठकर तुम्हारा बेटा अपनी अनंत कोटि ब्रह्मांड की सत्ता को संभालेगा। तब तो मैं शिरडी से लोगों को बुलाकर लाती हूँ और तुम्हारा सिंहासन शिरडी ले चलती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। गांव वालों सुनो, वो जंगल में साईं। जी बाबा। आजकल तुम क्या करते हो? क्या करूंगा, कुछ नहीं करता। तुम तो पढ़े लिखे हो, गांव में पाठशाला भी है,
लेकिन कोई बच्चा नहीं आता क्योंकि पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो क्यों नहीं पढ़ाता उनको? जी बाबा, ये शिरडी के बच्चे हैं, यहां का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं होना चाहिए। एक दिन सारी दुनिया इसी शिरडी की चप्पे चप्पे भूमि को चूमेगी। लोग शिरडी का इतिहास पूछेंगे। यदि उस समय इतिहास बताने वाले अनपढ़ हुए तो तुम्हारी शिरडी का सर शर्म से झुक जाएगा। नहीं साईं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कल पाठशाला खुलेगी, शिरडी भूमि का सर शर्म से नहीं गर्व से सदा सदा ऊंचा रहेगा, क्योंकि भविष्य में इस शिरडी का इतिहास आपसे शुरू होगा और कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम सब जाओ और कल सुबह अपने अपने घरों से जलाने वाली एक एक लकड़ी लेकर आना। अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। बाबा, आपने जैसा कहा था हम सब गांव वाले लकड़ी लेकर आ गए हैं। रख दो। आओ सब लकड़ी रखो। साईनाथ की जय। साईनाथ की जय। साईनाथ की जय। साईनाथ की जय। साईनाथ जय। साईनाथ जय। जय बाबा की जय। आज के बाद ये धुनी और उसकी विभूति युगों युगों तक मानव कल्याण के लिए मेरा प्रमाण बन के सक्रिय रहेगी। आकाश का सूर्य तो अस्त हो जाता है, पर शिरडी की यह धुनी कभी अस्त नहीं होगी। अल्लाह मालिक है। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। माई, माई भिक्षा। क्या बाबा? अल्लाह भला कर। माई भिक्षा। अब भी लाई बाबा। बाबा लीजिए। ठहरो। तुझे बार बार मना करने पर भी तू इस पाखंडी को भिक्षा देती है, हैं? द्वार से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। का है? तू मुझे धर्म सिखाती है? इस पागल ढोंगी को तो मैं खाली हाथ शिवडी से बाहर निकालूंगा। चला। मैं भिक्षा दिए बिना नहीं जाऊंगी। लीजिए बाबा। चला। शिरडी वासियों और अपने भक्तों के पुण्यों का उदय करने के उद्देश्य से बाल ब्रह्मचारी साई बाबा ने फकीरी का चोला डाला। वो रोजाना शिरडी के घर घर से भिक्षा मांगते थे और मांगी हुई भिक्षा को वो जात पात और धर्म मजहब तो क्या, कुत्ता बिल्ली कौवा कबूतर और तोते आदि के साथ मिल बांट कर खाते थे। एक बार दीपावली के दिन शिरडी के व्यापारियों को सत्य व्यवहारी बनाने और बच्चों को खुश करने के लिए साईं बाबा ने पानी से दीपक जला दिए। सन 1901 में शिरडी के आसपास के जिलों में भयानक हैजा फैला, लेकिन अपनी कर्मभूमि शिरडी की रक्षा के लिए साईं बाबा ने खुद अपने हाथों से चक्की चलाकर उसमें गेहूं पीसा और उसके आटे में अपनी विभूति मिला दी। महामारी का रूप धारण करके हैजा शिरडी के चारों ओर भयानक तांडव लीला मचाता रहा, लेकिन साईं बाबा के रहते शिरडी में हैजे की घुसने की हिम्मत नहीं पड़ी। बाबा, बाबा, बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा, बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा, बाबा मैं ठीक हो गया। अल्लाह मालिक,
अहमदनगर के असिस्टेंट कलेक्टर चांदोरकर बाबा के इस चमत्कार को मानने के लिए तैयारी नहीं थे। देखिए आपने ये रिपोर्ट। क्या हुआ नाना साहब, इतना गुस्सा क्यों? अरे आसपास के गांव में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, और शिरडी में हिजे का नामो निशान नहीं। गोपर गांव में 145, हाता में 99, डागर में 135 और अहमदनगर में 240 आदमियों को हिजा निकल गया है, और शिरडी में एक भी नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। शिरडी में साई जो बैठे हैं। साई? हाँ, साई के रहते शिरडी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर हैजे की क्या मजाल हुजूर। और आप जानते हैं दीपावली के दिन शिरडी के बच्चों को खुश करने के लिए साई ने पानी से दिए जलाए थे। पानी से दिए? काका साहब दीक्षित, मुझे तो साई बाबा नाम का ये आदमी जालसाज लगता है, लेकिन मेरी जागीर में ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मेरी जागीर में। गणपत राव। हुकुम हुजूर। तुम फौरन शिरडी के लिए कूच करो और साईं बाबा नाम के इस जालसाज आदमी पर नजर रखो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां पहुंचकर उसे रंगे हाथ गिरफ्तार करना चाहता हूं। ऐसे जालसाज के साथ यही सही होगा हुजूर, मैं निकलता हूं। साईं बाबा। ये लो बाबा। अल्लाह भला करेगा। कौन है साईं बाबा? मैं भी नहीं जानता साईं बाबा कौन है। तुम कौन हो? मैं तो एक फकीर हूँ। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर, यहीं विराजे विठ्ठल मेरे, शिरडी मेरा पंढरपुर। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी तीर्थ महान, शिरडी तीर्थ महान, यहीं विराजे विठ्ठल मेरे, यहीं विराजे विठ्ठल मेरे, सांवरे घनश्याम, सांवरे घनश्याम। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर। शुद्ध भक्ति गंगाधारा, शुद्ध भक्ति गंगाधारा, 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 शुद्ध भक्ति गंगाधारा, कुंडलीक प्यारा। शिरडी मेरा पंढरपुर, शिरडी मेरा पंढरपुर। कहे कनू सब मिलकर आओ, कहे कनू सब मिलकर आओ, कहे कनू सब
सब मिलकर आओ, कहे गनु सब मिलकर आओ, गाओ साईं विठल न्यारा, गाओ साईं विठल न्यारा, साईं विठल विठल साईं, साईं विठल विठल साईं, साईं बोलो साईं, साईं साईं बोलकर। कहिए। गणपत राव हमारा वफादार है। सो तो है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक उसने उस जालसाज का पर्दा फाश कर दिया हो। जालसाज नहीं, पाखंडी, फरेबी, ढोंगी, इन भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बनाता है। हाँ। आप कौन? इस गांव का वैद्य, वैद्यराज कुलकर्णी। मैंने हमेशा इन गांव वालों को एक बात बोली है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जाओ जाओ, अंदर गांव में जाके देखो, अपनी आंखों से देखो, जाओ। दीक्षित, गणपत राव को यहां होना चाहिए था, कहीं नजर नहीं आ रहा। जय साईनाथ। अरे इसे क्या हो गया? जय साईनाथ। गणपत, तुम्हारी वर्दी कहां है? साहब, आज तक तो मैं अंग्रेजों की मैली चादर बदन पे डालकर खुश होता रहा, लेकिन अब मुझे साईं के सत्य की वर्दी मिल गई है। अब मुझे उस मैली चादर से कोई वास्ता नहीं। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो? काल से बढ़कर तो आपका ओहदा हो नहीं सकता, और मैं तो यहां महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करके आया हूं। गणपत साहब, आपसे पुराने संबंध को याद करके मैं यहां आपको रास्ता दिखाने चला आया। अगर आप भी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आइए। जय साईना। चलो चलकर देखते हैं कि ये बेवकूफ किस तरह हमारा जीवन धन्य करेगा। साईं बाबा। तहसीलदार चांदोरकर, मुझे हर काम समय पर करना ही पसंद है, खाने के समय खाना और बातों के समय बातें। भगवान भला करेगा, शुरू करो। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। बाबा, आप भोजन नहीं करेंगे? जैसे एक माँ का पेट अपने बच्चे को खाना खिलाकर भर जाता है, वैसे ही हमारे भोजन कर लेने से बाबा की भूख खत्म हो जाती है। नहीं अब्दुल काका, जीने के लिए खाना बहुत जरूरी है। मैं खाने के लिए नहीं जीता लक्ष्मी। जीने के लिए तो खाओ बाबा, अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए खाओ। देखो कितने कमजोर हो गए हो तुम, मैं तुम्हें इस तरह उपवास करने नहीं दूंगी। तुम सबको खाना खिलाकर मेरा पेट तो भर जाता है, लेकिन इस माँ का पेट मुझे खिलाए बगैर नहीं भरता। मैं जानता हूं लक्ष्मी, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, लेकिन इस शरीर के रहते तुम्हारी इस प्रेम से दी हुई भाकरी को स्वीकार नहीं कर सकता।
ऐसा क्यों देवा? ये फकीरी का चोला पहन लिया है तो इसे इस जन्म में तो त्याग नहीं सकता। हाँ, इस शरीर को त्यागने के बाद सिर्फ तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी वो मुझे खिला देना। अभी तो मेरी झोली ले आओ लक्ष्मी। भिक्षा में मिला जो भी होगा वो तुम सब लोगों के साथ मिलकर खाऊंगा। जाओ। अल्लाह हमारे। बोलो साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। हम तो यहां आपके कामों की तफ्तीश करने आए थे, लेकिन आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिन हम यहां रुक जाएं। आज्ञा देने वाला मैं कौन? ये सारी शिरडी तुम्हारी जागीर है तहसीलदार चांदोरकर। मुझे तो साईं बाबा नाम का ये आदमी कोई जालसाज लगता है, लेकिन मेरी जागीर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा मेरी जागीर में। बाबा मुझसे गलती हो गई। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह भला करेगा, तुम्हारा कल्याण। अपराध और गलती करना तो मनुष्य का स्वभाव है बच्चों, लेकिन जो लोग अपने अपराध और गलती की माफी मांग लेते हैं वो हमेशा हमेशा सफल रहते हैं। गुरुजी, लेकिन हम माफी किसे मांगेंगे? माफ तो भगवान ही करते हैं बच्चों। मगर हमें भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान तो इस संसार के कण कण में बसे हैं। गुरु के रूप में वो हमेशा हमारे समीप रहते हैं। नीचे उतर। मैं कहता हूँ नीचे उतर। बाबा, श्यामा को सांप ने काट लिया है बाबा। हाँ, नीचे उतर। बाबा, बाबा श्यामा आपका बहुत बड़ा मुरीद है। हाँ, मैं जानता हूँ। नीचे उतर। बाबा, श्यामा को सांप ने काट लिया है और आप गुस्सा कर रहे हो बाबा? मैं गुस्सा नहीं कर रहा। लेकिन अभी तो आप। मैं जहर को नीचे उतार रहा था। बाबा, श्यामा को सोने नहीं देना। शंकर भोलेनाथ शिरडी पुरीश्वर साईनाथ नाग भूषण गौरीनाथ परम सुमंगल साईनाथ हे गिरिजा रमणा भव गय हरणा कैलाश राणा भोलेनाथ हर शिव शंकर भोलेनाथ शिरडी पुरीश्वर साईनाथ विषधर भुजंग मुंडन हार गले हाल विलोचन कानन कुंडल गंगाधार चले सोहे गौरी ना हर शिव शंकर भोलेनाथ शिरडीश्वर साईना हर हर शिव शिव
बम बम भोले नाथ, हर हर साईं नाथ, बम बम भोले नाथ, हर हर साईं नाथ, बम बम भोले नाथ, हर हर साईं नाथ। शिव शंकर कल्याण बाबा, बाबा, श्यामा बाबा। श्यामा उठो, श्यामा उठो। बाबा साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। ये आप सुबह सुबह किसे पत्र लिख रहे हैं? अपने दोस्त बूटी सरकार को। तुम तो जानती हो मैं बूटे के यहाँ जाने वाला था। हाँ। सोच रहा हूँ उसे यहाँ बुला लूँ, साईं बाबा के दर्शन करके उसका भी जन्म सफल हो जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात सोची है। हाँ बहनी, तो शिरडी में दत्त भगवान का अवतार हुआ है। हाँ, वो तो विष्णु भी है, ब्रह्मा भी और शिव भी। क्यों बोले शास्त्री जी, चला जाए शिरडी? हाँ, अब तो शिरडी चलना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों अमड़े का? हाँ, हाँ? क्या मतलब? हाथ की रेखाओं से अगर उस बहरूपीय का खेल खत्म न किया तो मेरा नाम बोले शास्त्री नहीं। नहीं 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 श्यामा नहीं, मुझे ये पागलपन लगता है। हाथ की रेखाएं किसी को क्या भविष्य बताएंगी? मैं तो कर्म पर विश्वास करता हूँ। लेकिन बाबा इनकी संतुष्टि के लिए। नहीं श्यामा नहीं, एक बार कह दिया मतलब नहीं दिखाना, मतलब नहीं दिखाना। जाओ जाओ यहां से, भागो। बूटी सरकार, देखा आपने, आपके साईं बाबा की मेरा नाम सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाँ, वाकई मान गए आपको शास्त्री जी। डर के मारे श्यामा के ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार बाबा ने हाथ भी आगे नहीं किया। मेरे दोस्त, भगवान के लिए साईं बाबा के बारे में ऐसी बात मत करो। लीजिए, मैंने उन्हें कई रूपों में समीप से देखा है। नमस्कार, नमस्कार भोले शास्त्री जी, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप? आपको देख के बहुत ही खुशी हुई। आप तो महान हो, आपको इस देश में कौन नहीं जानता। आपने ये बहुत अच्छा किया, उस पाखंडी के झूठ का सत्यानाश करके आपने बहुत अच्छा किया। मैंने हमेशा ये बात कही है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। लेकिन आपका परिचय महाशय? अरे शास्त्री जी, जिस तरह आपको ज्योतिष में महारत प्राप्त है ठीक उसी तरह इनको वैद्यकी में। शिरडी के माने हुए वैद्य कुलकर्णी महाशय यही है। महाराज, मैं तो आप ही का प्रशंसक हूँ, मैं तो आप ही का तो इंतजार कर रहा था। मगर हमको एक बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, कौन सी बात? अरे वही पाखंडी बाबा, डोंगी बाबा, उसको मस्जिद में रहने को दिया, मस्जिद में। हाँ हाँ, मालिक बन के रह गया। उसने मेरा भी अपमान किया है, इसलिए अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगा। अरे इनके पैर पकड़ो, जल्दी पकड़ो। अरे अरे छोड़ना मार दिया तुम हमें। अरे 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 महामलेच, बैठे करो, चलो उठ बैठे करो, चलो चलो। आप इन शिरडी वासियों की फिक्र मत कीजिए। महान जोशी भोले शास्त्री को अपना हाथ दिखाने से डरता है। तो उससे क्या हो जाएगा? हाँ, हम शिरडी वासियों को विश्वास दिलाएंगे। हाँ विश्वास दिलाएंगे, फिर वो पाखंडी अपना हाथ अपने आप आपके हाथ में आके दे देगा। हाँ, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, समझे भोले शास्त्री जी? तो फिर ठीक है, अब मैं अपने अपमान का बदला यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा। प्रभु प्रभु
शास्त्री जी दीदी तुम समझ रही है प्रभु उठिए जय श्री कृष्ण प्रभु प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु प्रभु उठो शास्त्री जी हे देव देवेश्वर हे साक्षात परम ब्रह्म मेरे अपराध क्षमा करो प्रभु देवा देवा क्षमा मैं अपने ज्ञान के अहंकार में पागल हो गया था प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु मुझे क्षमा करो बोले शास्त्री उठो बाबा अमृत ये लो गुरुचरित्र इसे पढ़ो मन को शांति मिलेगी बाबा बूटी सरकार मुझसे गलती हो गई बाबा तेरे की काय मुझसे गलती हो गई बाबा अभी पका दो जाओ वहां बैठो क्या मां 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 लगा के रखा है मेरी जिंदगी तो बदतर कर दी है ये चल चल जाई करो चल चल भागो चल भाग भाई करो नहीं तुम्हारे मां को अकल नहीं देखने रही हूँ मैं गुरुचरित पढ़ रहा हूँ नहीं तो मुझे समझते खा जाओगे तुम लोग पांच पांच बच्चों को वहाँ भेजकर खुद बैठ गया गुरुचरित पढ़ने क्या शुशु जाओ उन्हें संभालो मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं बन्ना भगवान के लिए मुझे तंग मत करो मुझे तंग मत करो तुम समझते क्या औरत जात को हाँ जब चाहे इस्तेमाल कर लिया बहुत शौक था ना पांच पांच बच्चे पैदा करने का अब खिलाओ उन्हें चिल्लाओ मत तुमने तो मेरा जीना आराम कर दिया है हाँ हाँ तो मेरी जिंदगी कौन सी अच्छी है तुमसे शादी करके आज तक पछता रहा हूँ मैं मैंने हाथ जोड़े थे मुझसे शादी करने के लिए या फिर मैंने हाथ जोड़े थे इन पांच पांच बच्चों की फौज खड़ी करने के लिए बन्ना अब एक लफ्ज भी कहा तो हाँ हाँ मारो मारो मुझे और तुम कर भी क्या सकते हो एक कमजोर औरत पर हाथ उठाने के सिवाय तुम ऐसे नहीं मानोगी एक दिन तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम जिंदगी भर पछताती रहोगी क्या क्या सबक सिखाओगे आ रही हूँ मर नहीं गई हूँ मैं बड़े आए सबक सिखाने वाले अरे गुरुचरित्र भी पढ़ने नहीं देती एक दिन तुम्हें सबक सिखाऊंगा मैं कर जिन्हें तुम पाल नहीं सकते उनसे मुंह मोड़कर तुम आत्महत्या करके दूसरा पाप कर रहे हैं अपने गुरु पर विश्वास रखो गुरु भला करेंगे गुरु भला करेंगे बाबा जय बाबा मुझे माफ कर कहाँ गए थे पद्मा मुझे माफ कर दो पद्मा मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई पद्मा लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं हमने जो गलती की है उसे हम जिंदगी भर कड़ी से कड़ी मेहनत करके हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी परवरिश
अच्छी शिक्षा और उनको अच्छा भविष्य देंगे। ओम साई नाथ। अल्लाह भला करे। देवा, अरे तात्या, आओ आओ बैठो। तात्या, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। आज दशहरा नवरात्रि का पहला दिन है ना साईं बाबा। दशहरा मुक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन। मतलब? इस शरीर रूपी चोले से मुक्ति का दिन। मैं कुछ समझा नहीं देवा। तात्या, इसे समझने के लिए तुम्हें भविष्य का इंतजार करना होगा। अच्छा ये तो बताओ, बाहर क्या चल रहा है? हर बार की तरह इस बार भी द्वारका मस्जिद में दशहरे का जोरदार जश्न चल रहा है। बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं बाबा। और इस बार तो वो जयकर भी आया है। जयकर? हाँ हाँ, वो चित्रकार। हाँ बाबा, बाहर चलिए ना बाबा। चलो। लक्ष्मी, तुम रंग नहीं खेलोगी? जो तुम्हारी भक्ति के रंग में रंगा हो बाबा, उसे रंग खेलने का कैसा चाव? मैं भगवान नहीं हूं लक्ष्मी, लेकिन भगवान भी तुम्हारी भक्ति पाकर धन्य हो जाएंगे। प्रणाम बाबा। आओ, अल्लाह मारे। लक्ष्मी, इंसानों ने रंगों को भी मजहब के दायरे में कैद कर रखा है। रंग तो प्रकृति की देन है, इन्हें मजहब के कमजोर धागों से बांधा नहीं जा सकता। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है बाबा? मुझे प्रकृति का हर रंग पसंद है। मुझे संगीत के साथ सुर, इंद्रधनुष के साथ रंग, मुझे सब पसंद है। अल्लाह माने। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। मां, बेटे, बेटे क्या हो रहा है तुम्हें? ठंड लग रही है बेटे। मां क्या करूं मैं? बेटे पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो। बेटे बेटे मेरे गोद में सो जा। अभी मैं क्या करूं? रामू बेटे, बेटे आंखें खोलो। रामू, अरे जल्दी आओ रामू। क्या हुआ माई? क्या हुआ माई? माई क्या हुआ? देखो देखो मुन्ना कैसे कर रहा है। माई, इसे नापावड़ी वैद्य के पास लेकर चलते हैं। नहीं, हम इसे बाबा के पास लेके चलते हैं। साईं बाबा के पास। हाँ माई, हाँ माई, चलो 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 पूरा जल्दी। मुन्ना अभी बाबा के पास चलते हैं, जल्दी ठीक से जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो तुम? वहीं चार दिन हिंद दुखी को आश्रय मिलता है। मतलब? मतलब अनाथों के नाथ शिर्डीपुरेश्वर साईनाथ के पास। शिर्डीपुरेश्वर साईनाथ के पास? मेरे सामने उस पाखंडी का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मेरे बच्चे की जिंदगी साईं बाबा ही लौटा सकते हैं। तुम्हें मेरी दवा पे जरा भी विश्वास नहीं है? तुम्हारी दवा खा खा कर तो मेरा बेटा ठंडा हो गया। अब उस साईं बाबा की दुआ चाहिए। और मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सहाय वैद्यराज कुलकर्णी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना वरना अनर्थ हो जाएगा। कैसे हो जयकर? ठीक हूं साईं बाबा।
ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार। ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार, ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार, ओ साईं तेरे हाथों ओ बाबा तेरे फकीर हो या अमीर हो, सब सवार इस नैया में, हर मजहब के लोगों का सम्मान है इस कश्ती में, तेरे हवाले नैया बचा ले, तेरे हवाले नैया बचा ले, तू ही है करतार, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार। इस नैया पर तो पता का श्रद्धा और सबूरी, इस नैया पर दो पता का श्रद्धा और सबूरी, भव सागर के लहरों पर शुरू है मुसाफिरी, तेरे भरोसे चली है नैया, तेरे भरोसे चली है नैया, तू ही तारणहार, ओ साईं तेरे, ओ दाता तेरे, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ दाता तेरे हाथों में दे दी पतवार। ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार, ये नैया हमरी साईं लगा दे उस पार, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ साईं तेरे हाथों में दे दी पतवार, ओ बाबा तेरे हाथों में दे दी पतवार। अल्लाह अब साईं तूने हमरी लगा दी नैया पार, अब दाता तूने हमरी लगा दी नैया पार, ओ साईं तूने हमरी लगा दी नैया पार, ओ बाबा तूने हमरी लगा दी नैया पार। सुना है सबने का फल मीठा होता है मेरे भाई, ये साबित कर दिया तूने मुझे, फल देके ओ साईं, ओ बाबा तूने हमरी लगा दी नैया पार। बाबा बहुत देर कर दी तुमने बेटी, अब लाई हो इसे। अब आप मेरी जान ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। माँ कहती है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मेरे मामा हो। मुझे किसी का सहारा नहीं है। बाबा आपने तो पानी से दीपक जलाए थे, मेरे मेरे कुलदीपक को बचा लो बाबा। बेटी तुम मुझ पर बहुत विश्वास रखती हो। हाँ। और विश्वास में ही भगवान बसता है, अल्लाह भला करे। माँ, हाँ, माँ, मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना मेरा लाल।
अल्लाह मालिक। कितने घमंड के साथ, कितनी अभिमान के साथ गई हाँ? आने दे, आने दे, देखता हूँ उसे हाँ। आज उसकी मैं टांग तोड़ दूंगा, टांग हाँ। काय को वहां गई थी उसके पास, क्या मिला तुझे उसके पास, क्या मिला हाँ? कहाँ है मेरा बेटा? वो पाखंडी क्या ठीक करेगा मेरे बेटे को? सुन हाँ? कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटा हाँ? बोल बाबा, बाबा आज साई बाबा की कृपा से आपका बेटा बच गया, समझे? बाबा मेरा बेटा, बाबा मेरा मुन्ना, मेरा बाबा तू ठीक हो गया, मेरे मेरे बेटी, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा। जय साईनाथ, जय जय साईनाथ। क्या बात है भाई, किस खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं? आप भी लीजिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। साईं बाबा की कृपा से शिरडी में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया। लीजिए वो मीठा। जरूर जरूर लीजिए लीजिए जरूर। अभी लीजिए। शास्त्रानुसार मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दशहरे से अच्छा और कोई शुभ दिन नहीं। बिल्कुल सत्य है, सत्य है। हम सब साईं बाबा के पास चलकर निवेदन करते हैं। अवश्य। चलिए 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 चलिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक शिरडी के सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मिठाई की मिठास अभी भी सबके मुंह में घुली है ना? साईनाथ महाराज, आपकी कृपा से शिरडी में कृष्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति भी मंदिर में आ गई है। बाबा, इस दशहरे का मुहूर्त बहुत अच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो दशहरे के दिन मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों से कर देते तो बहुत अच्छा होता। जी बाबा, जी बाबा। देखेंगे। बाबा मैं चाहता था कि अगर आप बस सब सुन लिया, अब तुम लोग जाओ यहां से। लेकिन बाबा जाओ यहां से, कहा ना जाओ। जैसी आपकी। बाबा बाबा चिंता मत करो, अल्लाह मालिक है। तुम कितनी जिद करते हो साईं, क्या पेड़ों में पानी हम नहीं डाल सकते? हर इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। मगर बाबा तुम्हारी तबीयत? मुझे कुछ नहीं हुआ है लक्ष्मी। मेरी आंखों से देखो बाबा, तब पता चलेगा तुम कितने कमजोर हो गए हो। मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगी, हम सब है ना काम करने के लिए। तुम्हारी सेवा से ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी, मनुष्य मनुष्य के लिए काम करे यह गलत है। इसी परंपरा को तोड़ने के लिए मैंने यह फकीरी का चोला पहना है। जा, मेरी भिक्षा की झोली ले आ लक्ष्मी। नहीं बाबा, आज तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाने दूंगी। अरे आज जाना बहुत जरूरी है, आज नहीं गया फिर मौका नहीं मिलेगा। जा ले आ मेरी झोली। तहसीलदार साहब, देखते ही देखते दशहरे का दिन भी आ गया, लेकिन साईं बाबा ने अभी तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने का निर्णय नहीं लिया। भूले शास्त्री, बाबा की लीला तो बाबा ही जाने, भाई हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ती उनसे पूछने की। मार्सापति जी, लेकिन आज का मुहूर्त तो निकला चला जा रहा है,
सत्य कह रहे हैं शास्त्री जी आप, लेकिन करे तो क्या करें। शास्त्री जी, बाबा तो स्वयं ही मुहूर्त है, तो जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। सही बात है सतगुरु, पर मेरी ये समझ में नहीं आता कि बाबा को घर घर भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, आजकल वो बीमार भी तो रहने लगे हैं। बाबा बाबा तुम कुलकर्णी हो ना? हाँ बाबा, हाँ, आप महान हो, आप दयावान हो बाबा, आप महान हो। उठो कुलकर्णी, उठो। आप बाबा, ये बाबा। अरे आज तो तुम्हारी रंगत ही बदल गई कुलकर्णी, बाल सफेद, चेहरे पर बुढ़ापा। क्या मेरी शरण में आते ही जवानी ने आंखें मोड़ ली? नहीं बाबा नहीं, आपकी शरण में आके तो मेरी आंखें खुल गई बाबा, खुल गई। मैं भटक गया था बाबा, मैं भटक गया था, बनावटी रंगों और दवाओं से अपनी उम्र छुपाता रहा, लोगों को झूठ और अपने आप को धोखा देता रहा बाबा। अब मुझे अकल आ गई बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मुझे वैद्यराज, जिंदगी तो अपने आखिरी पड़ाव की तलाश में भटक रहती है। आओ मेरे साथ, आओ। चलो चलो बाबा, चलो चलो बाबा। बाबा इसे पी लो बेटा, तकलीफ होती है बाबा। सब ठीक हो जाएगा, पी लो। बाबा मैं ठीक हो गया, बाबा मैं ठीक हो गया, बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया बाबा, बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया बाबा। अल्लाह मालिक, आओ कुलकर्णी। बाबा बाबा मेरे बाबा, आप लोगों की सारी बीमारी अपने शरीर पर ले लेते हो बाबा, आप महान हो बाबा, आप महान हो बाबा। तबीयत तो ठीक है ना बाबा? हाँ कुलकर्णी, चलो। अच्छा लक्ष्मी, लक्ष्मी आज दशहरा है और हम लोग द्वारका माई की सफाई कर रहे हैं, तेरे गाने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या होगा लक्ष्मी। बाबा ने तेरे आंगन में धूनी जलाई, धूनी में भर भर के विभूति दिलाई, जिन्हें भक्तों की कर दी भलाई। साईं ने तेरे आंगन में धूनी जलाई, बाबा ने तेरे आंगन में धूनी जलाई। साईं की धुनी ने धूम मचाई, विभूति ने भक्तों की विपदा मिटाई। साईं की धुनी ने धूम मचाई, विभूति ने भक्तों की विपदा मिटाई। विभूति ने जीवन की ज्योति जलाई, जिन्हें भक्तों की कर दी भलाई। ओ साईं ने तेरे आंगन में धूनी जलाई,
बावन तेरे आंगन में धोनी जलाई। जीवन के हर दुख को उसने मिटाया। साई की विभूति से माथा सजाया, जीवन के हर दुख को उसने मिटाया। दयामयी ऐसी है साई की विभूति, घर घर में सुख शांति लाई। साई ने तेरे आंगन में सोनी जलाई, बाबा ने तेरे आंगन में सोनी जलाई। पाप विनाशिनी तू दुखहारिणी मंगलमयी तू धूनी। विनाशिनी तू दुखहारिणी मंगलमयी तू धूनी। तेरी विभूति साईनाथ ने संजीवनी बनाई, संजीवनी बनाई, संजीवनी बनाई। बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा 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 क्या हुआ? अब्दुल काका ईट लक्ष्मी, ये क्या हुआ मुझसे? अनर्थ, आपकी ईट टूट गई बाबा, ईट टूट गई। क्या देख रहे हो तात्या? देख नहीं रहा बाबा। तो सोच रहा हूं। क्या? यही कि इस ईंट की खासियत क्या है? आप इसकी इतनी हिफाजत क्यों करते हैं बाबा? ये कोई साधारण ईंट नहीं है तात्या, ये ईंट तो तेरे साई की जान है। जिंदगी है इस फकीर की, ये ईट है तो तेरा साई है। ये ईट टूट गई तो तेरा साई भी। नहीं देवा, नहीं, नहीं। बाबा। लक्ष्मी, तात्या, जिंदगी के सफर में मौत से क्या डरना? जिंदगी की तो शुरुआत ही मौत तक पहुंचने के लिए होती है। मौत को अपना बनाकर चलोगे तो जिंदगी में मौत का खौफ नहीं, बल्कि उससे प्यार करने लगोगे। बाबा, तात्या, अभी तो तेरा साई अल्लाह मालिक। या अल्लाह, या परवरदिगार, ये क्या किया मैंने? बाबा, अब तो ईंट टूट गई, अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा, मेरी जान ले लो आप। बाबा, हमारी जान ले लो बाबा, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ। हमारी जान ले लो बाबा। अरे, जीवन और मृत्यु तो एक चक्र है। जीवन के लिए क्या हंसना और मृत्यु के लिए क्या रोना? बाबा, जो जन्म लेता है उसे मृत्यु स्वीकार करनी होगी। अब तुम सब लोग जाओ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसा मत कहो बाबा। मुझे अकेला छोड़ो। मैंने कहा ना, जाओ जाओ सब लोग। अल्लाह मान, जाओ। बाबा।
अम्बेडकर। अब्दुल, तात्या, शामा, तुम लोग भी जाओ। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ। लक्ष्मी तुम भी जाओ। मैं नहीं जाऊंगी बाबा। लक्ष्मी मैंने कहा ना, तुम बहुत जिद करते हो बाबा। तीन दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है तुमने। लक्ष्मी मेरी बात सुनो। आओ लक्ष्मी आओ, आओ। पहले तुम चुपचाप ये भाकरी खा लो। लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो, मेरे पास समय बहुत कम है। लक्ष्मी तुमने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। लक्ष्मी लक्ष्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी ये लो। मुझे पैसा तो क्या, नौकरों का मालिक भी नहीं बनना, मुझे सिर्फ आप चाहिए बाबा, सिर्फ आप। मैं तो अजन्मा हूँ लक्ष्मी, अविनाशी हूँ। मेरा जन्म ही कहाँ हुआ था जो मैं कहीं जाऊंगा। इस शरीर से अब मेरी आत्मा निकलकर अपने भक्तों के शरीर में निवास करेगी। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं बाबा? लक्ष्मी मेरे जाने के बाद इस संसार के समस्त प्राणियों कण कण में मेरा ही दर्शन करना। लक्ष्मी यदि तुम इसका नित्य अभ्यास करोगी तो मेरे अनंत स्वरूप का अनुभव तुम्हें हो जाएगा। बाबा, बाबा। मुझे अब इस मस्जिद में अच्छा नहीं लगता लक्ष्मी, मुझे मुझे बूटी सरकार के पत्थरवाड़े में ले जाना। मैं वहां खुश रहूंगा। अल्लाह मालिक। बाबा बाबा विजयदशमी 15 अक्टूबर सन 1918 दोपहर 2:30 पर बाबा ने महासमाधि ली। साईं बाबा धन्य हो, साईं बाबा धन्य हो। यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? जैसे मेरे साईं बाबा प्यारे नहीं, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चले जाओ यहां से। चला जाऊं? लेकिन कहां जाऊं? जहन्नुम में जाओ, नरक में जाओ। नरक भी उसी का है, ये स्वर्ग भी उसी का है। इस दुनिया के जर्रे जर्रे के अनंत कोटि के मालिक तो मेरे बाबा ही है। मालिक, एक बार मैंने तुमसे पूछा था
मुझे ऐसा एक इंसान बताओ जिसने भगवान को देखा हो। आज मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे एक भी स्थान ऐसा बता दो जहां मेरे भगवान मेरे साईं बाबा ना हो। ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः। देखा मेरे साईं बाबा का करिश्मा, धन्य है साईं बाबा, धन्य। सन 1918 में साईं बाबा ने जो महासमाधि ली वो तो सांसारिक नियमों का पालन मात्र था। बाबा का साकार स्वरूप तो आज भी अपने भक्तों के हृदय में जीवित है। सच्ची श्रद्धा से शिरडी में पांव रखने वाला बाबा की कृपा का पात्र बन जाता है। दूसरी ओर धर्म मजहब जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर बाबा की शिरडी हर तीज त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाती है। सशरीर रहते बाबा ने अपनी शिरडी में जो धार्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किए थे वो आज भी उसी जोर शोर के साथ आयोजित किए जाते हैं। सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को बाबा की पालकी यात्रा द्वारका मस्जिद से निकलकर चावड़ी पहुंचती है। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों भक्त मन में श्रद्धा और हृदय में सबूरी का दीपक जलाए शिरडी पहुंचते हैं। इस प्रकार साईं बाबा की साक्षात कृपा का अनुभव करके उनके भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।